हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक ऐसे गोरिल्ला की कहानी जो कि एक बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर बन जाता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि फेम मिलने के भी अपने कुछ नुकसान होते हैं। तो ये कहानी है 15 साल की वाई और उसके गोरिल्ला दोस्त लिंगलिंग की, जो अपने दादाजी के साथ मिलकर चाइना में एक सर्कस चलाते हैं। वाई और लिंगलिंग का रिश्ता बहुत पुराना है और वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह प्यार करते हैं। वाई ने उसे काफी सारे इंसानी वर्ड्स भी सिखाए, जिससे लिंगलिंग उसकी हर बात समझता था। यही हम उनके दादाजी को देखते हैं, जिन्हें बेसबॉल गेम का बहुत शौक है, लेकिन उनमें एक बुरी आदत भी थी। वो बेसबॉल पर बहुत सट्टा लगाते थे और इसी वजह से उन पर 1 मिलियन का लोन भी चढ़ गया था। उनके बेसबॉल के पागलपन से वाई को भी इस गेम में इंटरेस्ट आने लगा था और इसीलिए उसने लिंगलिंग को भी बेसबॉल सिखाना शुरू कर दिया। एक गोरिल्ला को बेसबॉल खेलते देख लोगों में सर्कस पॉपुलर होने लगा था और इसे और आगे ले जाने के लिए दादाजी एक नए गोरिल्ला लीटिंग को ले आए थे। वाई ने उसे ट्रेन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगली और गुस्सेल होने के कारण लीटिंग उसकी एक नहीं सुनता था। ये प्रॉब्लम अभी चल ही रही थी कि अचानक उनके साथ एक और ट्रेजेडी हो जाती है। 2008 में आए भूकंप में उनके दादाजी की जान चली जाती है और सर्कस को चलाने की सारी जिम्मेदारी वाई पर आ जाती है। वो सर्कस को शहर से दूर ले जाती है और उसे फिर से प्रॉफिटेबल बनाने पर काम करने लगती है, लेकिन प्रॉब्लम्स उसका पीछा नहीं छोड़ती और एक दिन लिन नाम का आदमी, जिसने दादाजी को लोन दिया था, अपने पैसे वापस मांगने आता है। अब वाई भला 1 मिलियन डॉलर कहाँ से लाती, और ये देखकर लिन इसके बदले वाई को अपना गोरिल्ला देने को कहता है। तभी कोरिया का एक फेमस स्पोर्ट्स एजेंट सुंग उसके पास आता है, जिसने लिंगलिंग के बारे में बहुत सुना था और कहता है कि वो इसे कोरिया ले जाकर बेसबॉल खिलाना चाहता है। कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवा कर वो लिंगलिंग को ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोरिया की बेसबॉल ऑर्गेनाइजेशन KBO के चेयरमैन यंग को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सुंग पर लालची होने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुम पहले भी कई प्लेयर्स को अपने फायदे के लिए बर्बाद कर चुके हो, लेकिन सुंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लिंगलिंग को दुसान बेयर्स नाम की एक टीम में डाल देता है। वाई को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है और अपना लोन चुकाने के लिए वो लिंगलिंग के साथ कोरिया पहुंच जाती है। सब लोग लिंगलिंग को रिसीव करने आते हैं और उसे एक नया नाम दिया जाता है, मिस्टर गो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुंग को गो की रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है कि उसके घुटने में गहरी चोट है, लेकिन सुंग उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। आगे सुंग उन्हें अपने घर ले आता है और देखता है कि गो उसके महंगे महंगे पेड़ों को खराब कर रहा है। वाई उससे अपने हिस्से के पैसे मांगती है ताकि वो अपना लोन चुका सके और ये सुनकर सुंग उसे बाहर स्टेडियम में ले जाता है। वहाँ वो बताता है कि तुम सिर्फ 1 मिलियन नहीं बल्कि 100 मिलियन डॉलर कमा सकती हो, लेकिन उसके लिए गो को आने वाले गेम्स में खुद को प्रूव करना होगा। अगले दिन वाई की गाइडेंस में गो दुसान बेयर्स के लिए अपनी पहली गेम खेलता है, लेकिन उसके पहले दोनों शॉट्स फाउल हो जाते हैं। ये देखकर वाई उसे दिल से खेलने को कहती है और गो पूरी जान लगाकर अगली बॉल से सीधा एक होम रन स्कोर करता है। ये देखकर टीम मैनेजमेंट को बहुत खुशी होती है और लोग भी देखते ही देखते उसके फैन हो जाते हैं। आगे के कुछ गेम्स में भी गो सबको अपना जलवा दिखाता है और दूसरी टीम सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे कैसे रोका जाए। वो लोग रूल्स का फायदा उठाकर चीटिंग पर उतर आते हैं और ऐसी बॉल्स डालने लगते हैं जिन्हें हिट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो गो को हिट करने से नहीं रोक पाते और ऐसा लगता है जैसे गो के पास उनकी हर चाल का जवाब है। एक दिन सुंग को पता चलता है कि जापान के 2 बहुत बड़े क्लब्स गो को खरीदना चाहते हैं और वो अपने मैनेजर से उन्हें यहाँ बुलाने को कहता है। आगे वाई को सर्कस से आया एक पार्सल मिलता है और वो देखती है कि लिन ने वहाँ उसके साथियों को बंदी बना लिया है। वो उस दिन मैच में जाने से मना कर देती है और लिन की दी हुई एक वीडियो चलाती है। उसमें वो देखती है कि लिटिंग ने उन लोगों को बहुत मारा है और लिन उसे धमकी देता है कि अगर जल्दी से वो पैसा लेकर नहीं आई तो वो लिटिंग के साथ साथ उसके बाकी साथियों को भी भेज देगा। वो सुंग के घर की तलाशी लेने लगती है कि शायद यहाँ उसे कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन इसी बीच उसके हाथ सुंग का साइन किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है। आगे का सीन स्टेडियम का है, जहाँ दुसान ग्रुप के मालिक आज का मैच देखने खुद वहाँ आए हैं। वाई के ना होने से सुंग खुद गो को असिस्ट करने जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसका ध्यान गेम में बिल्कुल नहीं है। गो किसी तरह खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से बैट छूटकर स्टेडियम में बैठे एक आदमी को घायल कर देता है। गो भी घबराकर स्टेडियम की छत पर चढ़ जाता है और रेफरी इस मैच को कैंसिल कर देते हैं।
चेयरमैन तुरंत एनिमल कंट्रोल वालों को बुलाता है और वो लोग एक हेलीकॉप्टर से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जाल में फंसने से गो छत से नीचे गिरने लगता है और ये देखकर लोग यंग से हेलीकॉप्टर को वापस भेजने को कहते हैं। आगे हम वाई को देखते हैं जो सुंग से उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है जिसमें $3,00,000 की ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा है। सुंग उसे समझाता है कि ये पैसे सीजन खत्म होने के बाद ही उसे मिल सकते हैं, लेकिन गो की हरकतों के बाद उसे ये मुश्किल लग रहा है। आगे वो न्यूज में देखते हैं कि कुछ लोग गो के दोबारा खेलने के अगेंस्ट हैं, लेकिन केबी उन्हें यकीन दिलाती है कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा। वाई ये सब देखकर नाराज हो जाती है और गो को खुद से दूर रहने को कहती है। सुंग को गो पर तरस आ जाता है और वो उसे समझाता है कि एडवर्टाइजमेंट और शो के जरिए वो लोग उसकी रेपुटेशन को सुधार सकते हैं। उधर सर्कस में हम लिन को देखते हैं जो टीवी पर गो से रिलेटेड एक न्यूज देख रहा है। तभी टीवी पर एक बेसबॉल आकर लगती है और पता चलता है कि गो को देखकर लिटिन एग्रेसिव हो रहा है। लिन को ये देखकर एक आइडिया आता है और वो लिटिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि गो की तरह लिटिन भी ये गेम खेल सकता है और वो उसे बेसबॉल थ्रो करने की ट्रेनिंग देने लगता है। इधर सुंग वाई और गो को एक फैमिली शो में ले जाता है ताकि लोगों को दिखा सके कि वो खतरनाक नहीं है और उसकी पॉपुलैरिटी एक बार फिर से बढ़ने लगती है। साथ ही गो अपनी गेम को भी इम्प्रूव करता है जिससे उसकी टीम काफी सारे मैच जीत जाती है, लेकिन इसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगता है। एक दिन सुंग का मैनेजर उसे बताता है कि जापान के क्लब ओनर्स उससे मिलने यहाँ आ रहे हैं और पैसों के लालच में चेयरमैन यंग भी अब हमारी तरफ हो गया है। सुंग पहले चुनिची क्लब के मालिक इटो से मिलता है जो उन्हें $45 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन सुंग उन्हें पटाकर ऑफर को 100 मिलियन पर ले आता है। वाई भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और तभी वो देखती है कि गो लड़खड़ाकर गिर गया है। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो बताता है कि गो के घुटने की चोट अब बहुत बढ़ चुकी है और उसे जल्दी से एक ऑपरेशन की जरूरत है। सुंग उससे कोई और तरीका निकालने को कहता है क्योंकि गो का सीरीज के फाइनल में खेलना बहुत जरूरी है और वो गो को अगले 2 मैचों में रेस्ट देने का फैसला करते हैं। यहीं एक सीन में हम लिन को देखते हैं जो दूसरी टीम एनसी की मैनेजर को अपना एक प्रपोजल देने आता है और सुन भी टीवी पर देखता है कि जापान के योमेरी क्लब का मैनेजर डाइची कोरिया पहुंचा है। डाइची उन्हें ईटो के ऑफर का दुगना देने को कहता है, लेकिन उसकी शर्त है कि पहले वो गो का एक मेडिकल चेकअप कराएगा। ये सुनकर सुन परेशान हो जाता है और यहाँ वाई भी उस पर गो की चोट छुपाने के लिए बहुत नाराज होती है। तभी वो देखते हैं कि लिन लिटिंग को भी कोरिया ले आया है जहाँ वो एनसी के लिए मैचेस खेलेगा और वाई को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। सुंग वापस ईटो के पास जाता है क्योंकि उसकी ऑफर में किसी मेडिकल चेकअप की शर्त नहीं है और उसे जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। तभी ईटो की नज़र लीटिंग पर पड़ती है जो बहुत तेज पिच कर रहा है और वो सुन से कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने को कहता है। इधर गो के बिना दुसान की टीम मैचेस हारने लगती है और ये देखकर फैंस और मैनेजमेंट का गुस्सा बढ़ जाता है। टीम मैनेजर सुंग से गो के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर वो फाइनल मैच में वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें फ्रॉड के जुर्म में अंदर करा दूंगा। सुंग और वाई डॉक्टर के पास जाते हैं जो उन्हें कुछ पेन किलर्स देता है और कहता है कि इससे गो किसी तरह फाइनल मैच खेल सकता है। वो उसे पेन किलर्स देकर ड्रेसिंग रूम में रेस्ट करने को कहते हैं और सुंग वाई को यकीन दिलाता है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फाइनल मैच में भी दुसान टीम की हालत बहुत खराब हो जाती है और सबको लगता है कि काश इस वक्त गो यहाँ होता। इधर सुंग देखता है कि ईटो लिटिंग को खरीदने वाला है और उसके बहुत समझाने पर भी ईटो उसकी डील कैंसिल कर देता है। डाइची को भी इस बात का पता चलता है और वो सुंग को एक बार फिर मिलने के लिए बुलाता है। वो उनके सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर गो उन्हें मैच जिता दे तो वो अपनी मेडिकल टेस्ट वाली शर्त वापस ले लेगा। यहाँ पता चलता है कि ईटो और उसके क्लब में पुराना कॉम्पिटिशन है और वो किसी भी कीमत पर उससे नहीं हारना चाहता। इधर ड्रेसिंग रूम में वाई एक डॉक्यूमेंट्री देखती है जिसमें उसकी और गो के पुराने पलों को दिखाया गया है और तभी सुंग चेयरमैन और टीम मैनेजर को वहाँ लाता है। वो दोनों गो की हालत छुपाने के लिए सुंग पर बहुत नाराज होते हैं और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेजने को कहते हैं। इधर वाई वो सीन देखती है जब भूकंप में गो ने उसकी जान बचाई थी और ये देखकर वो गो के पास आती है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले कभी निराश नहीं किया और मैं जानती हूँ कि आज भी तुम मेरा साथ जरूर दोगे। गो उठने की कोशिश करता है लेकिन घुटने में दर्द के कारण फिर से लड़खड़ा जाता है और ये देखकर चेयरमैन और मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। सुंग भी समझ जाता है कि अब सब खत्म हो चुका है और $1 मिलियन का चेक देकर वाई को वापस चाइना जाने को कहता है। वो कहता है कि इन पैसों से तुम अपना लोन चुका सकती हो और मैं एक दिन तुमसे मिलने वहाँ जरूर आऊँगा।
वाई ये सुनकर रोने लगती है और तभी वो देखते हैं कि गो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। स्टेडियम में लोगों को गो के आने की न्यूज मिलती है और ये देखकर फैंस के साथ साथ डाइची में भी नया जोश आ जाता है। ईटो और एनसी टीम के लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उनका कोच अपने प्लेयर्स को फील्डिंग फैलाने को बोलता है। वाई गो को पोजीशन लेने को बोलती है और गो भी लीटिंग को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। लीटिंग अपनी पूरी ताकत से बॉल फेंकता है जो गो से मिस हो जाती है और दर्द के मारे वो नीचे गिर जाता है। सब लोग ये देखकर निराश हो जाते हैं लेकिन गो हिम्मत करके फिर खड़ा हो जाता है। इस बार भी वो लीटिंग की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाता और गिरने से उसके पैर पर लगे ब्रेसेस टूट जाते हैं। गो वापस जाने लगता है और सबको लगता है कि शायद अब वो नहीं खेल पाएगा। तभी वो देखते हैं कि वो तो बस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ताकि अपना वेट दूसरे पैर पर डाल सके। सब उसकी समझदारी को देखकर बहुत हैरान होते हैं लेकिन सोचते हैं कि अब वो वाई के इशारों को कैसे देख पाएगा जो उसके ठीक पीछे खड़ी है। वाई भी अपना चाबुक नीचे फेंक देती है क्योंकि उसे यकीन है कि गो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। लीटिंग पूरी तेजी से अपनी आखिरी बॉल फेंकता है और गो ऐसा शॉट लगाता है जिससे बैट और बॉल दोनों टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि अब मैच का फैसला कैसे होगा और तब प्रेजेंटर बताते हैं कि सामने वाली टीम को बॉल को दोबारा से जोड़ना होगा। ये सुनकर सुंग अपनी टीम को भागने को बोलता है और वाई भी गो को भागने को कहती है। एनसी की पूरी टीम उन टुकड़ों को ढूंढकर जोड़ने लगती है और उनका प्लेयर और गो एक साथ बेस की ओर जंप लगाते हैं। एनसी को लगता है कि शायद उन्होंने गो को आउट कर दिया है लेकिन तभी रेफरी की नज़र बॉल के एक टुकड़े पर पड़ती है और वो दुसान को विनर घोषित कर देता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं लेकिन लीटिंग गुस्से में गो पर हमला कर देता है। वाई चाबुक से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन लीटिंग उसके काबू में नहीं आता। वो एक बार फिर वाई की ओर जाता है लेकिन सुंग एक गोल्फ कार्ट में बिठाकर उसे ले जाता है। लीटिंग कार्ट को पलट देता है और इससे पहले कि वाई को कोई नुकसान पहुंचे गो वहां आकर उसे बचा लेता है। वाई उसे लीटिंग को जान से मारने से रोक लेती है और कहती है कि ये सब उसी की गलती है। ईटो और डाइची अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देते हैं और चेयरमैन सुंग को अरेस्ट करने को कहता है। इधर न्यूज में दिखाते हैं कि लिन को गैर कानूनी लोन्स देने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है और डॉक्टर्स ने गो का ऑपरेशन करके उसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। आगे का सीन 4 महीने बाद का है जहाँ मैनेजमेंट के कहने पर सुंग को रिहा कर दिया गया है लेकिन लाइसेंस कैंसिल होने से वो फिर कभी स्पोर्ट्स एजेंट नहीं बन पाएगा। उधर वाई भी गो के साथ अपने सर्कस में वापस आ गई है और तभी वो देखते हैं कि वादे के मुताबिक सुंग उनसे मिलने आया है। एंड सीन में हम लीटिंग को देखते हैं जो कोरिया के एक जू में कैद है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।